हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी ट्रिपल लाइन में। सुजाता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी ट्रिपल लाइन में। फ्रेंड्स, आपने डोसा से खाई जाने वाली नारियल चटनी तो बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी, तो क्यों ना आज हम बनाते हैं इसे सूखे नारियल से। आज हम बनाने जा रहे हैं इसे सूखे नारियल से, आपके साथ इसे शेयर करेंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ एक सूखा नारियल, इसे हम छील लेंगे और छील के इसमें कट कर लेंगे। और ये देखिए, इधर मैंने पीसेस में कट भी कर लिया है। तो अब करना क्या है, इसे मैं रख देती हूँ एक कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर एक ग्लास पानी यानी कि 1 कप पानी के अंदर बॉईल होने के लिए। और इसमें 3 से 4 विसल आने देंगे। विसल आने के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। इसे निकाल लेंगे प्रेशर कुकर से बाहर। और साथ में ही मैंने गैस पे रख दिया पैन, इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 टीस्पून ऑयल। और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम, ये इधर मैंने 2 चम्मच चना दाल ली है। और आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं और पीनट भी ले सकते हैं यानी कि मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। तो पर मैं इधर चना ही दाल रोस्ट कर रही हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है, जब तक इसमें से बहुत अच्छी स्मेल ना आने लग जाए। वही देखिए बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे ये कोकोनट यानी कि नारियल जो हमने बॉईल किया था। और साथ में ही ऐड कर दी मैंने हरी मिर्च। और इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे यानी कि भून लेंगे चलाते हुए। और साथ में ही मैंने ऐड कर दिया 1/2 चम्मच नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही यूज कीजिएगा। और अब इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम ऐड कर लेंगे एक मिक्सर जार में और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा ये पेस्ट बनके यानी कि चटनी बनके तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसके अंदर मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये चटनी बनके तैयार, ये थोड़ी थिक है, इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इधर मैं ले रही हूँ हरा धनिया, तो उसी थोड़े से नारियल के अंदर मैंने इस हरे धनिया को भी पीस लिया है। तो ये देखिए 2 तरह की हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, एक हरे धनिया पत्ते की नारियल चटनी और सादा सिंपल। तो अब इधर तड़के देने के लिए मैंने गैस पे रख दिया एक पैन, इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच ऑयल। और साथ में ही ऐड ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड 1 टीस्पून। और ये देखिए सीड्स अच्छी तरह से भून गई है। साथ में ही इधर मैं ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च और इसे भी मैंने कर दिया इसमें ऐड। और ये देखिए तड़का हमारा लगकर तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपके पास करी लीफ है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने लाल मिर्च और मस्टर्ड सीड से ही यानी ड्राई से ही काम चला लिया है। तो अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। तो इधर देखिए हमारी चटनी दोनों बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स ये मैं समझिएगा इसमें कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल वो ही रेस्टोरेंट स्टाइल वाला डोसा चटनी वाला ही टेस्ट है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी तो कच्चा नारियल हमें मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो अपने घर पर अगर सूखा नारियल है तो उससे किस तरीके से चटनी बनाई जाए, तो वो हमने आज बना के तैयार कर ली है और आपको भी बताई है। तो चलिए आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।